गजाननम भूतगणादि सेवितम् कपिध्वजम् फलसार भक्षितम् उमासुतम् शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् मूषिकवाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते
गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सयानी हो गई, मेरा सयानी हो गई, मेरा सयानी हो गई।
मीरा, कहाँ खो गई? सुन, बांसुरी बजी। हमने तो नहीं सुनी। मैंने सुनी। एक बांस की थी बांसुरी मधुबन में बज रही। इतनी जरा सी बात पर दुनिया बदल गई, जीवन बदल गया सखी, दुनिया बदल गई। मीरा बेटी, आ पास मेरे, बाहों में तुझको मैं भर लूं और चांद सा ये माथा चूमूं। मीरा होगा तेरा विवाह श्री भोजराज सुंदर वर से, मेवाड़ की रानी बनेगी तू, मीरा तेरे शुभ पुण्य जगे। अब समझ गई हम, क्यों है तू अनमनी, रूप चंदनी, सजन के घर जाना है, मिलन का दीप चलाना है। ठुमक ठुमक रुंझुन रुंझुन, जय माली ये सखी आएगी, बल खाएगी, मुस्काएगी, घूंघट में तनिक लजाएगी। राजा नतमस्तक होंगे जब, तब डालेगी जयमाल सखी। अरे नैना क्यों भर आए तेरे, क्या अभी चली ससुराल सखी? विलाप कर रही हो?
तुम तो मेवाड़ की राजरानी बनने जा रही हो, इसमें कैसा दुख? अब भी मुझे ही पुकारती हो? कहाँ वो मेवाड़ के सिरमौर, कहाँ ये गोकुल का माखन चोर, कहाँ वो तलवार का रखवाला, कहाँ ये लकुटी कमरिया वाला ग्वाला? अच्छा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि विवाह होते ही तुम मुझे भूल जाओगी, क्योंकि तुम्हारी बातों से तो ये लगता है कि जहां शरीर है बस वहीं आत्मा है, जबकि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। व्यंग मत करो सांवरे, मेरे कथन का यही अर्थ निकाला तुमने। बचपन में माँ ने यही कहा था कि तुम ही मेरे पति हो। मेरा सचमुच सर्वांग सुहागन है, मेरे दो पति, ये कैसे संभव है प्रभु? तुम तो प्रेम पुजारण हो मीरा, ये विवाह क्या मेरे तुम्हारे प्रेम में दीवार बन सकता है? मीरा का नाम केवल प्रेम है, मीरा केवल शरीर नहीं है। उन मुक्त पवन को कौन बांध सकता है, सागर को अंजुरी में कौन भर सकता है, सूर्य की किरण को कौन बंदी बना सकता है? पगले, कमल का फूल जल में रहकर भी जल में नहीं रहता। Thank you.
गगन से कोई दामिनी भटक धरा पर आई है नर्तन करती, एक अमिट ज्योति सी मुखड़े पर इस बाला की, जैसे करोड़ दीपक जल उठे एक पल में। देखो मैं माँ तेरी ममता का आंचल फैलाए, ठहरो रुक जाओ मत बिखरो, ये नृत्य गान अब बंद करो। देखो माँ मैं दुल्हन बनकर कान्हा संग रास रचा
भाभी, प्यारी भाभी आओ, कुलदेव को नमन करो। अब आज से यही इष्ट तेरे चरणों पर शीश धरो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा आड़ी।
मरिया कोई अभिमान की मूरत है, ना लोक लाज ना मर्यादा, बस भोली सूरत है। इसमें गुण नहीं राजकन्या से, ये तो भिखारन लगती है। ये नृत्य गान करने वाली कोई लज्जाहीन बंजारन लगती है। क्या भैया को सूझी जो इससे परिणय कर घर लाए। अब इस राजमहल की लाज तो अपना कुलिष्ट ही बचाए। नित्य नित्य मंदिर में पूजन अर्चन को क्यों जाती हो? मैं राजा हूं, मर्यादाओं से बंधा हुआ। मैं तुम्हें रोकता नहीं, किंतु लोगों का मुख, सौ सौ बातें, कोई तुमको कुछ भी कहता है, मन में पीड़ा सी उठती है, मेरा मन छलनी होता है। तो क्या अब मैं गोपाल के दर्शन कर नहीं पाऊंगी? प्रिय की साधना तपस्या से वंचित रह जाऊंगी? मैंने ये कब कहा प्रिय, पूजन अर्चन आराधन में विघ्न नहीं कोई होगा। मैं यही बनाऊंगा मंदिर, फिर तुम प्रसन्न मन प्राण प्रिय जब भी चाहो पूजन करना। जैसी हरि इच्छा। मैं तो केवल एक दासी हूँ लाचार, आदेश आपका करती हूँ स्वीकार।
भैरव सिंह जी, आप ब्रज की परंपरा जानते हैं, अगले सप्ताह तक मंदिर बन जाना चाहिए। ये विनती विशेष है, ये मेरा आदेश है। रुकिए भाई जी, मेरे मन में एक दुविधा है, क्लेश है। भाई जी, ये कैसा अनर्थ हो रहा है? कौन है जो हमारी कुल परंपरा को डुबो रहा है? राजपूतों की कुल परंपरा कोई निर्जीव पत्थर का टुकड़ा नहीं जो जल में गिरते ही डूब जाए। राजपूतों की कुल परंपरा अग्नि ज्वाल है जो सदैव आकाश की ओर उठती है। शब्दों का व्यर्थ प्रयोग मत करो, जो कहना है स्पष्ट कहो। भाई जी, ये राजमहल है, यहाँ एक कोने में जो ध्वनि उठती है उसकी गूंज पूरे राजमहल में पहुँचती है। को दिया गया आपका एक वचन खोलते जल की तरह उफन रहा है, जो हमारे कुल की मर्यादा का प्रश्न बन रहा है। हमारा कुल है माँ अष्टभुजा दुर्गा का पुजारी, और अब उनकी जगह लेंगे भाभी सा के कृष्ण मुरारी। भवन में एक छोटा सा कृष्ण मंदिर आ जाएगा, इसमें हमारी कुल देवी अष्टभुजा का क्या जाएगा? क्या जाएगा भाई जी? हमारी सारी मान्यताएं रह जाएंगी धरी की धरी। अब खड़ग खप्पर का स्थान लेगी बांसुरी। उदा बावली, हमारा शास्त्र में बताता है हमारी अष्टभुजा और कृष्ण में भाई बहन का नाता है। फिर आपकी भाभी सा को यदि महल में ही कृष्ण मिल जाएं, तो इसमें हमारा क्या जाता है? भाई जी, आपका ये तर्क मुझे खल गया। लगता है आपके ऊपर भाभी सा के भोलेपन का जादू चल गया। मेवाड़ का हृदय और राजभवन इतना छोटा नहीं जहां श्री कृष्ण और उनके भक्त को स्थान न मिले। पहली बार मुझसे मेवाड़ की भावी महारानी ने कुछ मांगा है और मैंने उसका वचन भर दिया है। इसलिए तुम माता कुलदेवी के कोप से न डर, अपने भाई के वचन की चिंता कर। हृदय को जितना बड़ा बनाओगी, इतिहास में उतना ही अच्छा स्थान पाओगी। फिर आरंभ हो गई। भाई जी, आपके पग तो भाभी के घुंघरुओं में बंध गए। अब तो अगला पग ये उदा ही उठाएगी। गुरु भर तर माँ सतगुरु भर तर।
इस समय बीती रात प्रभात की बेला आने को है, तारों की बारात चंद्रमा की डोली ले जाने को है, किंतु आप अब तक क्यों जाग रहे हैं? तुम भी तो इस अर्धरात्रि में जाग रही हो। मैं तो अपने इष्ट देव की आराधना कर रही थी। मैं भी अपनी कुलदेवी की आराधना में मग्न था। भूल हुई क्या मुझसे कोई? अब लग मुझे निहार रहे हैं। कभी कभी मैं सोच नहीं पाता हूं, तुम हो केवल मानवी की देवी हो, लगता है तुम हो कलश किसी मंदिर का,
ये हाथ बहुत छोटे मेरे, तुम तक ये पहुंच नहीं पाते। मीरा, तुम में ऐसा क्या है जो मुझे दिव्य वरदान सा लगता है? तुम नर्तन करती हो तो लगे सृष्टि नाची, तुम गाती हो प्रभु गीत स्वर्ग के गान सा लगता है। तुम कितनी निकट मेरे, पर कितनी दूरी है मीरा, जाने क्यों रूप तेरा भगवान सा लगता है। Hey!
महाराज की जय हो। सीमा पर युद्ध छिड़ गया है महाराज। Okay.